आज बाशीबान गर्ल्स हाई स्कूल में नेहरू नगर वाला एक का स्पोर्ट्स इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें जो है 20-21 स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया। और नेहरू नगर वाला जो है बाशीबान गर्ल्स हाई स्कूल और बीओ ऑफिस के मातहत ये स्पोर्ट्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। इस साल 2023 और 24 के स्पोर्ट्स जो है बाशीबान गर्ल्स हाई स्कूल वालों की तरफ से कंडक्ट करना है, जो जिला पंचायत, बीओ ऑफिस और बाशीबान गर्ल्स हाई स्कूल तीनों के ज्वाइंट में जो है स्पोर्ट्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। आज इसका इनॉग्रेशन किया गया, जिसके मेहमान खसूसी जो थे वो डॉक्टर संतोष पत्तार थे और साथ ही साथ एजाजी मेहमान जे बी पटेल मैडम थे, जो पीईओ थे, फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर थे। और साथ ही साथ जो है हमारे मैनेजमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी अलहाज मुजाही तालीकोटी सर, सेक्रेटरी दस्तगीर आगा साहब और वाइस प्रेसिडेंट अलहाज एजाज अहमद लोधी साहब और बॉयज हाई स्कूल के हेडमास्टर चांदवाले सर, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर आरिफ मुल्ला सर और हमारे बाशीबान गर्ल्स हाई स्कूल और बाशीबान बॉयज हाई स्कूल के तमाम असातिज़ा ने मिलकर जो आज के इस प्रोग्राम को कामयाब किया। अब इसके बाद जो है चेस कॉम्पिटिशन होगा और जो है योगा कॉम्पिटिशन भी जो है बाशीबान गर्ल्स स्कूल में रखा गया है। इसी तरह जो है नेहरू स्टेडियम में बाकी के स्पोर्ट्स जो है नेहरू स्टेडियम में होने जा रहे हैं। और जो है आज के मेहमान खसूसी भी जो है हेल्थ क्या होती है इसके बारे में भी बताए, स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी बताए और आज के बच्चों को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेकर आगे किस तरह बढ़ाया जा सकता है और दिमागी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, हार क्या होती है और जीत क्या होती है इसके बारे में भी जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाए और बच्चों ने मान लिया कि स्पोर्ट्स इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इस तरह से आज का एक प्रोग्राम मुलाकात किया गया था और ये इख्तिताम पज़ीर पहुँचा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरोज़ मंगल मोरिखा 17 जुलाई 2023 को नेहरू नगर हल्का नेहरू नगर के जानिब से बाशीबान गर्ल्स हाई स्कूल की जानिब से जोनल स्पोर्ट्स का इनका किया गया था। इसमें मेहमान खसूसी की हैसियत से डॉक्टर संतोष पत्तार ने शिरकत किया और इसका जो है आज इफ्तिताह ठीक 12:30 को ये खेलों का इफ्तिताह हो गया। इसमें एजाजी मेहमान भी थे, हमारे मैनेजमेंट इंतज़ामिया के सेक्रेटरी आली जनाब दस्तगीर आगा साहब और हमारे नायब सदर अलहाज एजाज अहमद लोधी साहब और मुजाहिद तालीकुटी साहब भी इसमें शिरकत किए थे। आज का ये जलसा हमारे हेडमास्टर आली जनाब बाबर मुल्ला साहब की सदारत में मुनाकिद किया गया था। इसमें मेहमान खसूसी ने अपने ख्यालात का इजहार किया, उन्होंने आज के दौर में खेलों की क्या अहमियत है इस उनवान पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और दूसरे मेहमान ने भी इसी तरह से खेलों की अहमियत के ताल्लुक से गुफ्तगू की और आखिर में हमारे सदर जलसा आली जनाब हेडमास्टर आली जनाब एस मुल्ला साहब ने जो है अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इस जलसे का इख्तिताम किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है हमारे बाशीबान हाई स्कूल में गर्ल्स हाई स्कूल में स्पोर्ट्स नेहरू जोन का स्पोर्ट्स मुनक्कद हुआ है, आज उसकी इफ्तिताह हुई और हर बच्चा जो है हर स्कूल का बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर और हम बहुत बच्चों को दिल से मुबारकबाद देते हैं और हमारे टीचर्स को भी मुबारकबाद देते हैं कि इतना बड़ा इवेंट जो है हमारे स्कूल में कर रहे हैं और ये अलग अलग जगह में अलग अलग स्कूल में भी थोड़े इवेंट्स हैं, इंडोर गेम्स जितने भी हैं वो स्कूल में होंगे और जो आउटडोर के इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स हैं वो हमारे स्टेडियम नेहरू स्टेडियम में मना करेंगे। तो आप सब लोगों से गुजारिश है अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आमादा करें और
ये इवेंट को कामयाब करें। कॉम्पिटिशन तो होंगे, स्पोर्ट्स तो होते हैं, उनके भी यूनिवर्सिटी लेवल भी होते रहते हैं, मगर ऐसा टाइम टेबल के मुताबिक पीई पीरियड नहीं होता। तो यहाँ सब आए हुए हैं कॉम्पिटिशन के लिए आए हुए, सबों ने जो बताया कॉम्पिटिशन तो होता रहता है, हार और जीत तो होती रहती है, जीतना तो एक को पड़ता है, हारना तो बहुत सारों को पड़ता है, लेकिन हारने के पीछे भी कुछ कारण होता है, क्यों हारे उसको हम देखना है। हार तो होती है, हम रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करने के बाद जो है कोई सेकेंड्स में आगे जाता है, एक इंच दो इंच का भी जो है वहाँ फर्क आ जाता है, वहाँ वो आगे जाता जाता है, तो उससे सेकेंड नंबर जो आया उससे सबक लेना है कि वो कैसे आगे गया। अब चेस कॉम्पिटिशन है, चेस का दिमाग का काम होता है, पूरा दिमाग से काम करना पड़ता है, तो उसमें भी देखना है कि मेरी जो हार हुई वो क्यों हार हुई,